आज खबरें नहीं इश्क सुनिए। जी हाँ, यहाँ इश्किस्तान में इश्क की तपिश की वजह से हमेशा 12 बजे रहते हैं। जी हाँ, नासा का दौरा इश्किस्तान, दुनिया से बहुत दूर एक और दुनिया जहाँ इश्क के बीमारों की हजारों लाइनें लगी हैं। नासा के अनुसार के मुताबिक वहाँ लाखों आशिक अपने इश्क में डूबे हुए हैं। नासा की टीम इश्किस्तान का दौरा कर चुकी है। नासा ने दौरे के लिए भी आशिकों को ही चुना था ताकि इश्किस्तान के आशिकों की भाषा समझाए। टीम कोऑर्डिनेटर ने रंज व गम इजहार करते हुए कहा कि वहाँ इश्किस्तान में सब लोग सच्चे आशिक हैं और अपना इश्क लिख रहे हैं, यानी कोई गा रहा है, कोई बना रहा है, कोई शांति अपना रहा है। वहाँ सोने की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ हजारों साल से आशिक रहते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। सब अपने मोहब्बत के समंदर में डूबे हैं। नासा के टीम लीडर ने यह भी कहा कि उन्होंने एक आशिक से कहा था कि अपने बारे में कुछ बताए, यहाँ के बारे में कुछ बताए, तो उन्होंने जवाब दिया था कुछ इस तरह, इश्क करने वाले तो आँखों की बात भी समझ लेते हैं, इश्क करने वाले तो आँखों की बात भी समझ लेते हैं, ख्वाबों में भी मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं, रोता तो आसमां भी प्यार के लिए, पर अफसोस के लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। नासा टीम ने बहुत कोशिश की थी कि वो आशिकों से बात कर पाए, मगर बदकिस्मती से कुछ ही आशिकों से बात हुई और उन्होंने भी इश्क के भाषा में जवाब दिया। उनका मानना है कि उनका इश्किस्तान सिर्फ आशिकों के लिए बना है, वहाँ पर इश्क के अलावा कुछ और नहीं होता, यानी इश्क पढ़ना, इश्क लिखना, इश्क के भाषा के अलावा वहाँ कोई भाषा नहीं। नासा की टीम ये खूबसूरती, यानी इश्किस्तान की खूबसूरती देखकर और इश्क की बातें सुनकर होश गवा बैठे और आपस में मुस्कुराकर बातें करने लगे। यूं ही इश्किस्तान के आशिकों ने देखा कि नासा की टीम मुस्कुरा रही है, उन्होंने उन्हें पकड़ा और इश्क की हिरासत में ले लिया। वहां इश्क की हिरासत में बस सुनना पड़ता है, बोलना नहीं। उसके बाद इश्क के अल्फाजों की बारिश हुई। कुछ लफ्ज यूं थे, हमें दर्द दिल का मज़ा मालूम है, हमें दर्द दिल का मज़ा मालूम है, दर्द दिल की इंतहा भी मालूम है, दर्द दिल की इंतहा भी मालूम है, ज़िंदगी भर मुस्कुराने की दुआ ना दो यारो, हमें पल भर मुस्कुराने की सज़ा मालूम है, खुशियों से नाराज़ है हमारी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है हमारी ज़िंदगी, खुशियों से नाराज़ है हमारी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है हमारी ज़िंदगी, हंस लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है हमारी ज़िंदगी। एक जज्बाती आशिक दौड़ते दौड़ते नासा टीम के एक जूनियर साहब के पास पहुंच गए और उनके कान के नज़दीक जोर से कहा, जिन्हें हम ढूंढते रहे सारे इस कायनात में, जिन्हें हम ढूंढते रहे सारे इस कायनात में, वो निकली आखिर इस दिल के मायखाने में, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आँखों से पियो ए दोस्तों, खुदा की कसम उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उसके बाद अचानक एक फिरंगी जैसा आशिक नाचते हुए आया, गाते हुए आया, जोर से गाने लगा, दर्द काफ़ी है बेखुदी के लिए, मौत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, दर्द काफ़ी है बेखुदी के लिए, मौत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कौन मरता है किसके लिए, हम तो जिंदा है सिर्फ आपके लिए, हमने भी चाहा था बाहों में उनके दम निकले, हमने भी चाहा था बाहों में उनके दम निकले, बेवफा वो न थी बदकिस्मत हम निकले। ये सब देखकर नासा टीम का होश उड़ गया। उन्होंने ये भी देखा कि एक आशिक अपने पूरे शरीर को पेंट कर चुका था, ऐसा लगता था वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उसने बहुत सारी ग्राफिटी भी वहाँ की। एक बड़े दीवार पे कुछ ऐसे लफ्ज लिखे थे, एक मुलाकात अनजान सी होती है, अनजान से ही तो पहचान होती है, एक मुलाकात अनजान सी होती है, अनजान से ही तो पहचान होती है, जहाँ देखूँ वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखूँ वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं लेकिन सैकड़ों तैयार बैठे हैं। उसने एक हसीना खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट भी बनाया था और लड़की के सर पर सोने का ताज बनाया था और ताज पर लिखा था, हमारे दीवानापन की कोई दवा नहीं, हमने वो भी सुन लिया जो आपने कहा नहीं, हमारे दीवानापन की कोई दवा नहीं, हमने वो भी सुन लिया जो आपने कहा नहीं, आपके मोहब्बत में डूबे हैं इस कदर कि दिल अब किसी और को चाहने के काबिल रहा नहीं। नासा टीम लीडर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी शायरी सुनाई और आखिरकार उनको जब पता चला कि हम ज़मीन से आए हैं तो उन्होंने ज़ोरदार नारा बाजी की। नारा कुछ यूं था,
दुनिया से नफ़रत मिटाओ, मोहब्बत अपनाओ, दिल दिल जान जान, इश्किस्तान इश्किस्तान। और बाद में नाराज़गी में हमें एक पोस्टर देकर रुखसत किया और पोस्टर पर लिखा था नफ़रत मिटाओ इश्क अपनाओ। नासा ने फैसला किया है कि वो ये पोस्टर पूरे दुनिया में हाईलाइट करेंगे और दुनिया को इश्किस्तान के आशिकों का पैगाम देंगे, यानी मोहब्बत अपनाओ नफ़रत मिटाओ। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में नफ़रत बहुत ज़्यादा है और मोहब्बत कम। नासा ने लोगों से दरख्वास्त किया है कि वो अपने दिलों को बदल डालें और मोहब्बत अपनाएं, नफ़रत को मिटाने में साथ दें। वहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, आप तो जानते ही हो, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त आज मोहब्बत से, मोहब्बत अपनाएं और नफ़रत मिटाएं। जय हिंद।